दोस्तों इन दोनों बिग बॉस सीजन 17 शुरू हो चुका है और शो में कई दिलचस्प कंटेस्टेंट आए हैं जिनकी वजह से शो भी काफी देखा जा रहा है। बिग बॉस के घर में कुछ कंटेस्टेंट्स तो एज ए कपल आए हैं, कुछ सिंगल। इस वीडियो में हम बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट्स के असल जिंदगी के हमसफर के बारे में जानने वाले हैं और जो कपल के तौर पर आए हैं उनकी शॉर्ट में लव स्टोरी जानेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की। साल 2020 में एक टीवी शो आया गुम है किसी के प्यार में। इस शो में नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा मुख्य किरदार में थे। तो इसी शो के शूटिंग के सेट पर इन दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। फिर दोनों ने 30 नवंबर 2021 को शादी कर ली। ईशा मालवीय। ईशा मालवीय एक्ट्रेस हैं, उन्हें सबसे बड़ी पहचान टीवी शो उड़ारियां से मिली। जब उड़ारियां शो में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया तब उनका एक लड़के से ब्रेकअप हुआ। उसके 3 महीने बाद उड़ारियां शो के ही एक्टर अभिषेक कुमार को ईशा डेट करने लगी। इनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। अभिषेक इस रिश्ते में बहुत सीरियस थे जबकि ईशा ज्यादा सीरियस नहीं थी। एक समय ऐसा भी आया जब ईशा अभिषेक से झूठ बोलने लगी, इग्नोर करने लगी। इसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगी और फिर ईशा ने अभिषेक से ब्रेकअप कर लिया। इसके 2-3 महीने बाद ईशा एक्टर समर्थ जुरैल को डेट करने लगी। फिलहाल ईशा और समर्थ रिलेशनशिप में हैं। अनुराग डोभाल। अनुराग डोभाल नेपाल की रहने वाली साव्या को डेट कर रहे थे। अनुराग की तरह साव्या भी मोटो ब्लॉगर हैं। दोस्तों कुछ खबरें ऐसी भी आईं कि अनुराग का साव्या से ब्रेकअप हो गया है और वो दुबई की मॉडल साहिवा के क्लोज आ चुके हैं। अंकिता लोखंडे विकी जैन। विकी जैन एक बिजनेसमैन हैं और अंकिता एक जानी मानी एक्ट्रेस। अंकिता को बड़ी पहचान उनके शो पवित्र रिश्ता से मिली जिसमें उनके साथ लीड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत थे। शो के दौरान अंकिता और सुशांत एक दूसरे को डेट करने लगे थे और इनका रिश्ता कई सालों तक चला। साल 2013 में अंकिता विकी से पहली बार एक पार्टी में मिली थी, वहीं इनकी दोस्ती हो गई। फिर जब सुशांत ने करियर की वजह से अंकिता से ब्रेकअप किया तो उसके बाद विकी अंकिता के क्लोज आ गए। साल 2018 में अंकिता ने ये अनाउंस किया कि वो विकी को डेट कर रही हैं। हालांकि उससे पहले ही ये सबको पता चल चुका था। दोनों ही इस रिश्ते में काफी सीरियस थे, इसीलिए दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और फिर 14 दिसंबर 2021 को दोनों ने शादी कर ली। जिग्ना बोरा। जिग्ना एक बहुत ही स्ट्रगलिंग वूमेन रही हैं। वो जर्नलिस्ट थीं। साल 1998 में उनकी शादी एक इंजीनियर से फैमिली द्वारा करा दी गई थी। जिग्ना पर असली परेशानी तब आई जब उन पर एक मर्डर केस लगा और उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप भी लगे। इस केस के चलते जिग्ना को 6 साल जेल में बितानी पड़ी थी। बाद में उन्हें बेकसूर साबित कर दिया गया। जिग्ना का एक बेटा भी है। जिग्ना के जो हस्बैंड थे उन्होंने जिग्ना पर केस लगने के बाद उनसे दूरियां बना ली। खानजादी उर्फ फिरोजा खान। खानजादी एक फेमस रैपर है। उन्हें प्रसिद्ध MTV के म्यूजिक शो हसल 2.0 से प्रसिद्धि मिली। वो मॉडलिंग और रैपर बनने के लिए अपने होम टाउन जो आसाम में है वहाँ से भाग आई थी। बिग बॉस OTT सीजन 2 से प्रसिद्धि पाने वाले मॉडल जैद हदीद के साथ खानजादी की डेटिंग की खबरें रहीं। हालांकि जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिलहाल खानजादी की नजदीकियां एक्टर अभिषेक कुमार के साथ हैं। मनारा चोपड़ा। दोस्तों मनारा स्पेशली उनकी साउथ इंडियन फिल्म के लिए जानी जाती हैं। साथ ही कुछ लोग उन्हें प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की कजन के तौर पर भी जानते हैं। मनारा अभी तक किसी भी ओपन रिलेशनशिप में नहीं रही हैं। उनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या कभी किसी को डेट किया है तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल किया है, मैं भी एक इंसान हूँ। अरुण उर्फ अचानक भयानक। अरुण का पूरा नाम अरुण श्रीकांत मासेट्टी है। वो एक फेमस गेमर हैं। अचानक भयानक नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। अरुण ने एक फ्रांसिस लड़की से शादी की थी जिससे उनका एक बेबी भी है। अरुण उनकी वाइफ के साथ सोशल मीडिया पर वीडियोस डालते हैं जो काफी वायरल होते हैं। नावेद सोल। नावेद UK के एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। नावेद एक बाइसेक्सुअल हैं। उन्होंने बिग बॉस में ही बताया कि वो 9 साल से एक व्यक्ति को वन साइडेड प्यार कर रहे हैं। मुनव्वर फारूकी।
मुनव्वर ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। उनकी मां ने गरीबी की वजह से आत्महत्या कर ली थी। जब मुनव्वर मुंबई गए तब उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट की। संघर्ष टाइम में ही फैमिली प्रेशर के तहत मुनव्वर ने जासमिन से शादी कर ली थी। इन दोनों का रिश्ता कभी अच्छा नहीं चला। इस शादी से मुनव्वर का एक बेटा भी है। बेटे के जन्म के बाद दोनों का रिश्ता कुछ ज्यादा ही खराब हो गया और दोनों सेपरेट हो गए। मुनव्वर का बेटा मुनव्वर के साथ ही रहता है। बात करें मुनव्वर के करंट गर्लफ्रेंड की तो अभी मॉडल नाजिला सिताइसी उनकी गर्लफ्रेंड हैं। मुनव्वर ने साल 2022 में ओटीटी रियलिटी शो लॉकअप में पार्टिसिपेट किया था जिसके वो विनर भी रहे। उस दौरान भी मुनव्वर सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोरा के क्लोज आ गए थे, पर बाद में दोनों ने क्लियर किया कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। रिंकू धवन। रिंकू अपने समय की एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस रहीं। टीवी शो कहानी घर घर के लिए वो ज्यादा जानी जाती हैं। दोस्तों इनके लव लाइफ की दिलचस्प बात ये है कि टीवी शो कहानी घर घर की के लीड एक्टर किरण कर्मकार शो में उनके भाई बने थे, लेकिन रियल लाइफ में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बाद में दोनों ने शादी कर ली। कई साल बाद साल 2017 में उनका डिवोर्स भी हो गया। सनी आर्या उर्फ तहलका। सनी आर्या एक फेमस यूट्यूबर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वो ज्यादातर उनके प्रैंक वीडियो के लिए जाने जाते हैं। सनी आर्या शादीशुदा हैं। उनकी वाइफ का नाम दीपिका है। वो भी एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं। दीपिका से सनी की अरेंज मैरिज हुई। उनकी एक बेटी भी है। अभिषेक कुमार। जैसा कि हमने आपको बताया, अभिषेक कुमार एक्ट्रेस ईशा मालवी को डेट कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो बिग बॉस की ही कंटेस्टेंट खानजादी के क्लोज आते जा रहे हैं। सना रईस खान। सना एक पेशेवर जानी मानी क्रिमिनल लॉयर हैं। सना को प्रसिद्ध एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ड्रग केस लड़ने की वजह से मिली। बात करें पर्सनल लाइफ की तो वो किसी भी ओपन रिलेशनशिप में नहीं रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रियल लाइफ पार्टनर बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट के। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर दें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।